हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर आपके पार्टनर का आपसे मन भर गया है तो वो आपके साथ कैसी हरकतें करेंगे। क्योंकि अचानक से जब कोई पर्सन आपसे दूर रहने लगता है, आपको इग्नोर करने लगता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पर ज़्यादातर बार ऐसा इसलिए होता है कि अब ना वो आपसे उबने लगा है, उनका मन भर गया है, कोई रीज़न नहीं है। तो उनकी कुछ ऐसी साइन आपको देखने को मिलेगी जहाँ से ना आप ये बात कन्फर्म कर सकते हो कि हाँ, उनका मन भर गया है इसलिए ऐसा वो बिहेव कर रहे। जो रीज़न है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने वो कन्फर्म कर लिया है कि जो पर्सन आपसे थोड़ा दूर रह रहा है, आपका पार्टनर, उनका आपसे मन भर गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी काम की होगी। क्योंकि हो सकता है कि आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही हो कि यार उनका हमसे मन ही भर गया ना, अब तो बात ही ख़त्म। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों, एक ऐसा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का जिसको आप ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से आसानी से सोल्व कर सकते हो। हाँ, आप में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग आपको समझना पड़ेगा सामने वाले की सिचुएशन को, अपनी सिचुएशन को और अपने इमोशन को थोड़े कंट्रोल में लाना पड़ेगा। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग ना ये छोटी सी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते और इससे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं कम्प्लीटली। तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पार्टनर का मन भी भर गया है तो उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि क्यों लोगों का हमसे मन भर जाता है। हालांकि इसके बारे में मैंने अपने अदर वीडियोस में कई बार बताया है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा किसी को टाइम देना, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना, बहुत ज़्यादा केयर करना, पार्टनर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ऐसी जो कॉमन गलतियाँ होती है जो हमें हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, जब आप ये चीज़ें करते हो तो कोई भी इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाता है एंड फिर उनका आपसे मन भर जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आपका रिलेशन वापस से सही हो जाता है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि अगर उनका मन भर गया है तो हम क्या उपाय करें इनके। ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़, 90% लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर झगड़ा नहीं करना है, ये बोल के कि तुम तो बदल गए गुरु, ठीक है, यहाँ पर नाम से रुका ही नहीं जाता। इमोशन भाई, इमोशन नहीं होता, हम झगड़ा कर ही लेते हैं, पर आपके इमोशन भले ही आपके कंट्रोल में ना हो, पर ट्राई करने से, प्रैक्टिस करने से डेफिनेटली आप इनको धीरे धीरे कंट्रोल कर पाओगे। तो यार, जो ये चीज़ें हो रही है ना, वो दूर जा रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, एंड तुम्हें जिन चीज़ों के कारण हर्ट हो रहा है, उन चीज़ों को ना तुम्हें दिखाना नहीं है, समझ लो, इस चीज़ को लेकर झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ से इस रिश्ते में ना डिस्टेंस बनना क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, क्योंकि तुम झगड़ा करोगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, वो भी मतलब तरह तरह के रीज़न बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी जो इस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। तो मैं इन शॉर्ट में कहूँ कि तुम्हें ना ऐसा कुछ दिखाना है, और स्पेशली तुम्हें झगड़ा तो करना ही नहीं है, तुम्हें उनको बोलना ही नहीं है कि तुम बदल गए हो। बस ये तुम्हारा यहाँ पर चुप रहना, ना सिर्फ तुम्हारे वर्ड से, लेकिन तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से, हर तरह से तुम्हें ये देखना है कि मैं ऐसा कहीं दिखा तो नहीं रहा हूँ। जब भी मैं पर्सनली लोगों को ये बात सजेस्ट करता हूँ तो लोगों के ना एक क्वेश्चन होता है कि अगर हम उनके सामने क्वेश्चन ही नहीं उठाएंगे, उनकी गलती ही नहीं बताएंगे, उनसे कम बात करेंगे, तो वो तो ऑलरेडी हमसे एक डिस्टेंस बनाकर बैठा है, आसानी से हमें भूल जाएगा, उन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। अब देखो, उनको जो तुम दे रहे थे उन चीज से वो पापा करना उब गए हो, समझ रहे हो। तो भाई साहब, यहाँ पर तुम जबरदस्ती बात करने की कोशिश करोगे या बार बार उनकी तरफ जाओगे ना, तो और ज़्यादा वो इरिटेट होगे, और ज़्यादा वो गुस्से होंगे, और ज़्यादा वो परेशान होंगे। जितना तुम कम रखोगे ना, तो क्या होगा कि तुम्हारी गैरहाजिरी वो मिस करेंगे, ठीक है, तुम्हारा प्रेजेंस वहाँ पर नहीं है तो उनकी लाइफ में कुछ खलेगा, ये ज़्यादा हो रहा है इसीलिए तो उब गए, तो ऐसा टेंशन मत लीजिएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुम्हें करनी है कि अपना ना गेटअप चेंज करना है। देखो, यहाँ पर ना दो तरह की चीज़ें हो सकती, एक तो जो आप में ना देखने से दिख सकती है, आपकी हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, एक्सेसरीज वगैरह, शूज, जो भी तुम करते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आराम से बैठो, लिखो, एनालिसिस करो खुद को, और तुम्हें ना कुछ चेंज आना चाहिए तुम्हें। मैं इस बात पे बड़ा ज़्यादा जोर देता हूँ कि चेंज आना है, तुम्हें कितना अच्छा करना है वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन चेंज आना चाहिए, ये प्रायोरिटी है। चेंज दोस्तों बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इंसान है ना,
उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो बहुत कम टाइम में एक जैसी चीज़ों से बोर हो जाता है, समझ गए आप। इसलिए जो पर्सन हमारे साथ इतने टाइम से रिलेशन में था, तो भले ही उनका इंटरेस्ट हमारी बातों में, हमारे बिहेवियर में, हमारे और चीज़ों में, लेकिन हमारा लुक मैटर करता है, उनको ये एहसास दिलाने में कि ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ नया है, इसमें कुछ चेंज है, इसमें कुछ बदलाव है। और जहाँ पर भी बदलाव होगा, इंसान का अटेंशन डेफिनेटली जाएगा जाएगा और जाएगा। अगर आपके पार्टनर का आपसे मन भर गया है, तो आपके लिए प्रायोरिटी वाली चीज़ है कि आप अपने गेटअप को चेंज करिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ जो हमें करनी होती है, शायद आपके लिए मुश्किल होगा, पर आपको ये करना होगा, उनके साथ रहिए और उनको दिखाए कि उनके साथ भी आप खुश हो। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको झगड़ा करके ना अलग नहीं हो जाए, क्योंकि जैसे हम झगड़ा करेंगे, हमारे उनके साथ बातचीत सब कुछ बंद हो जाएगी। ओके, तुम ऐसा दिखाओ कि तुम अपनी लाइफ में एकदम नॉर्मल हो, अपनी लाइफ में खुश हो। अगर पॉसिबल है तो उनके साथ एंगेज रहो, ज़बरदस्ती एंगेज मत रहो, पर जितना भी आप दोनों का कनेक्शन है, जितना भी वो सामने से बात करता है, या जितना भी मिनिमम पॉसिबल है, ताकि उनको ये हम में नोटिस हो पाए कि हम अपनी लाइफ में नॉर्मल है, हमने कुछ अपने में चेंज किए, बदलाव किए, ताकि वो आसानी से नोटिस कर पाए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, वो हमारे बिहेवियर को भी नोटिस कर पाए, क्योंकि मैं जस्ट आपको पहले गेटअप वाली बात की थी, लेकिन आपको अपना बिहेवियर भी चेंज करना है। उनको जिस तरह से आप ट्रीट करते हो, वो चीज़ तो चेंज करनी, यानी कि आपकी इनर पर्सनैलिटी भी आपको काफ़ी हद तक बदलनी पड़ेगी। जो भी बोरियत हमारे ज़्यादा प्यार करने से क्रिएट हुई थी, वो डबल हो जाती है जब हम उनके साथ रहकर फाइट झगड़ा करते हैं। लेकिन जब हम उनके साथ रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, उनके बिना भी खुश रहेंगे, तब उनकी जो बोरियत है ना, वो डेफिनेटली कम होगी और उनका आकर्षण हमारे लिए बढ़ेगा। अब और एक चीज़ जो आपको ख़ास तौर पर करनी है, कि आपको ना अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज मीन्स कि अपने रूटीन में ना कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी, ऐसी चीज़ें जो तुम करते हो अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, और तुम्हारे पार्टनर को वो दिख सके, वो तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे रूटीन में ना वो चीज़ें नोटिस कर पाए। हाँ, डेफिनेटली 2 से 3 मंथ तो करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बिजी वाला शेड्यूल है, तो आप कम चीज़ें करो या मिनिमम चीज़ें करो। लेकिन जो पर्सन ऐसा है कि उनकी फिक्स जॉब है, या उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और बाकी का जो मैक्सिमम टाइम वो अपने पार्टनर को देते हैं, तो ऐसे लोगों को तो अच्छी तरह से अपने रूटीन का शेड्यूल बनाना चाहिए। आप कुछ भी अपने उस शेड्यूल में, उस टाइम में करिए। आप जिम जाना शुरू कर दीजिए, आप डांस सीखना, सिंगिंग सीखना, या आपको जो भी पसंद हो ना, एक अच्छा सा रूटीन बनाए। और ऐसी चीज़ें हमें लानी है कि हमारा पार्टनर ना हमारे रूटीन में ये नोटिस कर पाए। उसके रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, वो मेरे अलग अलग वीडियोस में आपको मिल जाएंगे कि कैसे हम फोटोज से, या सोशल मीडिया से, या सारी चीज़ों से कर सकते हैं। पर पहले ना हमारे जो बेस है वो क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो शो ऑफ करने लगते हैं कि मैं तेरे बिना खुश हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, पार्टी कर रहा हूँ, पर वो उनके साथ झगड़ रहे होते, ऑलरेडी वो दिखा रहे होते कि भाई हम बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशान है। तो ये चीज़ें जब आप उलट सुलट करोगे ना, तो वर्क नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, आपको वैसे ही करनी है, तभी इन सारी चीज़ों का मतलब बन पाएगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट में बताऊँ ना, तो ये बातें कुछ ऐसी है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप अपने काम पे या और चीज़ों में से अटेंशन कम दे रहे थे, और ज़्यादातर अटेंशन आप अपने पार्टनर को दे रहे थे। जब कुछ भी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे लिए बोरिंग हो जाती है। सेम आपके पार्टनर के लिए वही चीज़ें होगी। इसलिए जो चीज़ें मैंने आपको कही, उनका रीज़न ये बनता है, उसका सॉल्यूशन ये बनता है कि आपका अटेंशन धीरे धीरे वहाँ से निकल कर और चीज़ों में आ जाता है। तो ज़्यादा चीज़ें होने के कारण जो पर्सन हमसे बोर हो रहा था, धीरे धीरे वो चीज़ें हमने वापस ली और चीज़ों में लगा ली, तो उनका बोरियत है वो कम हो जाएगा। एंड धीरे 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 हमारे में उनका आकर्षण बनने लगेगा। आप 2 से 3 महीना ये चीज़ करिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। पर्सनली मेरे साथ फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।